भाई बहुत मजा आ रहा है। मामा गिर गए। ये रूम है जो हमने होटल नवरत्न में आके लिया है, बिल्कुल ब्रह्मा टेम्पल के पास। इसमें दो वॉशरूम है, इसकी कॉस्टिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कॉन्टेक्ट नंबर भी, तो आप आने से पहले यहाँ पे बुकिंग करा सकते हो। चैनल दिस इज पुनीत एंड यू आर वॉचिंग पिया ब्लॉग। सो आज की सुबह स्टार्ट हुई हमारी भाई पुष्कर में, तो अभी नहा धो के मैं रेडी हो गया क्योंकि मैंने घाट पर स्नान नहीं करना, लेकिन यश भाई और मामा ने करी है वेट मेरी बहुत ज़्यादा सबर के साथ। थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए इनको, नहीं तो जूते ज़्यादा पड़ेंगे, ऐसे कम पड़ेंगे, पड़ेंगे जरूर। तो एक बारी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। अभी हम जा रहे हैं घाट में स्नान करने। ये देखो ये लोंडा जा रहा है भाई, तो बड़ा शरीफ सा धार्मिक सा लोंडा हमारा, देख लो ये जा रहा है मामा भांजा। अरे पप्लू डप्लू, सो भाई इसको घाट नहीं पसंद आ रहा तो पहले घाट पसंद करने जा रहे हो। तो लोकेशन भी कह रहे मेरे को सन व्यू पॉइंट में नहाऊंगा, तो उसको कोई लोकेशन नहीं पसंद आ रही बेचारे को। लोकेशन देख के उस पर स्नान करेंगे जहाँ थोड़ा एकांत हो, अच्छा हो, अच्छा लगता रहे। अकेले में नहाना हम जा रहे हैं ब्रह्मा जी के टेम्पल जो कि वन एंड ओनली है पूरे वर्ल्ड में। सो वहाँ पे दर्शन के लिए जा रहे हैं, प्रसाद हमने ले लिया है और अंदर जाके देखते हैं कैसा। अंदर फोन और कैमरा अलाउड नहीं है तो इसलिए वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगा, बाहर आके करूंगा। तो मामा का कान घूम गया, खींच के बताना पड़ेगा कान कहाँ पे इनका। A few moments later. So, घाट पे होने के बाद मंदिर गए थे, मंदिर से हुआ है अब, और अब मंदिर से होने के बाद भाई जा रहे हैं लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने। मेरे पीछे आप देख ही रहो कैसी, अब यहाँ से ना एक दो चीजें लेनी है फिर आगे चले। तो यहाँ पे यश को बना दिया टोपी रंगीलो पुष्कर में, रंगीलो राजस्थान हो गया यश का, रंगीलो पुष्कर में। और मामा को टोपी बनाने में भाई हम असमर्थ रहे हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो भाई अब हम आ गए हैं अपने राजस्थानी लुक में, रंगीलो राजस्थान बना दिया हमने अपना, ब्लू ब्लू दोनों भाई हो गए हैं। मामा साथ में मार्केट में आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, और जरा भूख बहुत ज़्यादा लग गई है, धूप भी बहुत हो गई है, और कोशिश ये करेंगे कि ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट जो भी यहाँ पे होता है वही करें आज। और थोड़ा नीचे ध्यान से देख के चलना पड़ता है, यहाँ पे जगह जगह गोबर है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गायें वगैरह है, लोकल गांव टाइप है। और अगर आपने कोई भी चीज़ लेनी हो ना यहाँ पे तो बहुत अच्छा और बेस्ट प्राइस मिलेगा आपको, कोई यहाँ पे महंगा नहीं है काम, सारा बहुत नॉमिनल प्राइसेस में अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि कैप मैंने 50 रुपीज़ की ली है, और आगे हम जैसे जैसे जाएंगे आपको दिखाएंगे, पहले ब्रेकफास्ट के लिए कोई अच्छी सी दुकान ढूंढ, फिर आगे का शूट करेंगे वहाँ से। सो अभी हम आए हैं यहाँ पे खाटू श्याम मिष्ठान एंड रेस्टोरेंट में, यहाँ पे खाएंगे हम भाई यहाँ की स्पेशलिटी जो है कड़ी कचौड़ी, और बाकी खा के आपको बताते हैं। और यहाँ की फेवरेट डिश जो मेरी है ना अभी तक की वो ये है, ये है आपका रबड़ी के मालपुए,
और ये सब्जी और एक कड़ी नींबू के साथ। सो हमने ऑर्डर करी है यहाँ पे भाई प्याज कचौरी कड़ी के साथ, तो यहाँ पे ऐसे कटिंग करके मिलेगी। सबसे टेस्टी रही तो बेचारे खाने की वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि शूट और भी खाना शुरू करे। करो ट्राई कड़ी कचौरी जो यहाँ की फेमस है राजस्थान की डिश, तो मेरा बहुत मन था ये खाने का। रात को मैंने मालपुए भी ट्राई करे थे, अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ऐसे वैसे मालपुए नहीं है, वो बड़े स्पेशल मालपुए हैं जो सिर्फ पुष्कर में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे वो आपको। तो उनकी स्पेशलिटी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार पहले ये खा लेना, फिर उसके बाद उसका भी नंबर लगाएंगे ज़रूर। और तब तक लस्सी ऑर्डर करिए, लस्सी आ जाए और फिर साथ में ये खाते हैं और बाकी का आपको बताएंगे फिर। एक चीज़ और दिखा दो, बोल एक चीज़ और दिखा दो। ये तीन प्लेट खा चुका बंदा, ये एक, ये दो और ये तीन, और अभी चौथी ऑर्डर करिए, लस्सी भी आ गई है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। स्पेशलिटी है जो आप ये देख सकते हो, इसके अंदर रोज पेटल्स है, गुलकंद का फ्लेवर आ रहा है इसमें बड़ा अच्छा सा, और मीठा बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार अगर यहाँ पे आओगे तो ज़रूर ट्राई करना भाई, बहुत अच्छी डिश है, बहुत अच्छा खाना है यहाँ का। तो हम भी ये ट्राई करते हैं कि जहाँ भी जाए वहाँ की स्पेशलिटी डिश जो वो ट्राई करी जाए, अगर लोकल फूड एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि नई जगह पर जाने का यही बेनिफिट होता है और मोटिव भी यही होता है कि कुछ नया देखा जाए, कुछ नया खाया जाए और नया घूमा जाए। नहीं तो परांठे तो हर जगह मिलते हैं, क्योंकि पंजाबी और आलू हर जगह जाते हैं, हर जगह अवेलेबल है, तो परांठे हर जगह मिलते हैं, यहाँ भी है। वैसे और भी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको साउथ इंडियन, इटालियन और भी अलग अलग तरह की क्विज़ीन, चाइनीज़ क्विज़ीन हो गया, थाई फूड हो गया, हर तरह का फूड मिलता है, लेकिन हमें ऑथेंटिक लेना था राजस्थानी टेस्ट, तो इसलिए हमने बाहर के रेस्टोरेंट छोड़ के अंदर गलियों में जो रेस्टोरेंट है घाट के आसपास वहाँ पे जाना पसंद करा। और अगर दिल्ली के अंदर कहीं पे कड़ी कचौड़ी मिलती है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं वहाँ जाकर ज़रूर ट्राई करूँगा। और आपको ये भी बताऊँगा उस वीडियो में कि यहाँ पे टेस्ट बेटर था या वहाँ पे, क्योंकि भाई काम ही है, घूमना चाहिए और खाना चाहिए, दैट्स इट। बाइक और अपना फ्यूल हमेशा पूरा होना चाहिए, तभी राइड का मज़ा आता है। तो अभी हम निकले हैं यहाँ पे लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया अपना, और मामा और यश मेरे साथ है, यश थोड़ा सा हिसाब वगैरह देख रहा है अपना, और जो यहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको यश संभाल रहा सारा, तो वो कैलकुलेशन में लगा हुआ है। और अब हम जा रहे हैं आगे लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने, और एक दो चीज़ें मैंने देखनी थी वो भी देख लेंगे साथ ही साथ, और आगे वापस हम घूम फिर के जहाँ से शुरू करा था वहीं पे। सो यहाँ पे भाई हमें मिले हैं अब्दुल भाई, जो कि केरला टू कश्मीर कर रहे हैं ट्रैवल, और दैट टू विदाउट पेइंग एनीथिंग टू एनीवन। सो ये ट्रैवल कर रहे हैं लिफ्ट लेके या बाय वॉक, जैसे भी इनको लगे, लेकिन इन्होंने ट्रैवल करना है विदाउट पेइंग एनीथिंग, राइट? सो विदाउट पेइंग एनीथिंग कर रहे ट्रैवल। विश हिम बेस्ट ऑफ लक पुनीत रावल, ഫുൾ സപ്പോർട്ട്, ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഹിന്ദി തോടാ തോടാ, സോ എനിക്ക് ഹിന്ദി തോടാ തോടാ ആത്തിയ കഹനാ ചാത്തേ കെ പുനീത് കോ പി ആർ വ്ളോഗ്സ് കോ ആപ് സപ്പോർട്ട് കരോ ജരൂർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, സോ ലൈക്ക് ഷെയർ ഓർ കമന്റ്, ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ഹാപ്പി ജേണി സേജൻ. സോ യഹാൻ സേ ഹംനേ ലിയാ കുച്ച് ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റഡ് ഐറ്റം. സോ സബ്സേ അച്ഛി ചീസ് മേരെ കോ യഹാൻ പേ യേ ലഗി, യഹാൻ പേ നാ ആപ്കോ കാരി ബാഗ് നീ ദേതേ ഹോ, യഹാൻ പേ ആപ്കോ യേ ദേതേ ഹൈ ഹാൻഡ്മേഡ് കപ്ഡേ ക്ലോത്ത് കേ ബനേ ഹുവേ യേ ബാഗ്, ജോ കി പ്ലാസ്റ്റിക് കോ प्लास्टिक के यूज़ को कम कर देते हैं, और दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने यहाँ पर पूछा इसके कितने रुपए देने, तो भैया ने क्लियर बोल दिया, भाई ये दिल्ली का आपका बिग बाज़ार नहीं है, ये पुष्कर है, यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे 2-4-5 रुपए नहीं लिए जाते, एनवायरनमेंट सेव करने के लिए मैं सब कुछ कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है यहाँ पर जो लगी, और यश ने भी शॉपिंग करी थी एक, तो इसको भी ऐसे ही बैग एक मिला। मैंने अपनी मम्मी के लिए शॉपिंग करी है, इसने अपनी मम्मी के लिए शॉपिंग करी है, और अगली बार देखते हैं, और 1-1.5 साल तक अपने बच्चों की मम्मी के लिए भी करेगा शॉपिंग। सो मार्केट में काफ़ी शॉपिंग वगैरह करने के बाद अब भाई हमें लगी है प्यास, और प्यास बुझाने का सही तरीका आपको मैं दिखाता हूँ। प्यास बुझाने का सही तरीका पुष्कर में ये है कि आप यहाँ पे
स्पेशल यहाँ की नींबू शिकंजी लो। तो ये भैया नींबू शिकंजी बना रहे हैं। ये गया इसमें मसाला थोड़ा सा जो इन्होंने अपनी चटनी बनाई हुई है, और ये आ गया आपका सोडा, और ये रे प्यासे जग जग के जगह जगह से प्यासे आए। वीडियो बना बना के मारा प्याप गलत सुबह लिया। तो भाई यहाँ पे ना सब्सक्राइबर इकट्ठे करते करते प्यास से बुरा हाल हो गया हमारा, और थोड़ी सी शॉपिंग भी हमने करी है। तो वो क्या शॉपिंग करी है वो नहीं मैं दिखा सकता, क्योंकि तो सरप्राइज है, सरप्राइज है। अभी के लिए आपको सिर्फ ये दिखा सकते हैं, ये बैग मिला था भर दिया हमने, एक घर वाली के लिए लिया इन्होंने, एक बाल वाली के लिए लिया, एक उससे ज्यादा बाल वाली के लिए लिया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। याद आ गया मुझे। तो भाई बड़ा ही अल्टीमेट टेस्ट है इसका, पहली बार ट्राई करी है ऐसी चीज, पुदीने की चटनी भैया ने इसमें डाली है बना के, तो काफी बढ़िया आइटम है ये, एक मस्त ट्राई है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो जरूर ट्राई करना है इसको। भाई बहुत मजा आ रहा है। ओ मामा गिर गए।